गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का फुल डे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बेंगलोर आ गई हूँ एंड आज मूड था कुछ शॉपिंग करने का, तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैं फ्रेश हो रही थी एंड उसके बाद आज का पूरा का दिन मैं सोचूंगी कि कैसे क्या कुछ करना है। बट आज के लिए तो मैं शॉपिंग में ज़रूर जाऊँगी। घर पे ना हमेशा मेरा ही ड्यूटी होता है बेड बनाने का, क्योंकि सबसे लास्ट में मैं ही उठती हूँ, तो ये ड्यूटी तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है एंड मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि बेड बनाना, क्योंकि इससे बिल्कुल सुबह जो थकान होता है वो मुझे फील होता है कि मैं उठ गई हूँ एंड अभी बाकी का काम अच्छे से कर सकती हूँ। एंड आप लोग बोल सकते हो कि ये एक वेकअप काम होता है जिससे मेरी फुल बॉडी जो है वो एनर्जेटिक हो जाती है एंड बाकी का फुल डे का जो भी काम होता है वो भी मैं बहुत ही अच्छे से कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक हैबिट है, तो आप लोग भी चाहे तो करके देख सकते हो एंड फुल डे में जो एनर्जी आप लोगों को मिलेगा वो भी आप लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकोगे। बेड बनाने के बाद मुझे चाहिए होता है एक कड़क चाय एंड चाय बनाने की ड्यूटी भी मैं ही करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जैसा कड़क चाय पसंद है वैसा बस मैं ही बना सकती हूँ, इसीलिए मैं किसी और को नहीं बनाने देती एंड मैं मेरी मम्मी के लिए भी बनाऊँगी एंड फिर मैंने अच्छे से मेरा चाय बना के चाय पी लिया। पानी में ना ज़्यादा चाय पत्ती को बॉईल करना मुझे पसंद है, इससे इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छे से इंक्रीज़ हो जाता है एंड शुगर भी बहुत ही कम यूज़ करती हूँ मैं चाय में। पीते पीते बस में थोड़ा सा टीवी देख रही थी एंड फिर हम लोगों ने कंप्लीट किया हमारा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में था चिकन करी था वो रात का एंड इसके साथ था लच्छा पराठा, जो कि वो इंस्टेंट फूड होता है ना वही था, बट बहुत ही टेस्टी था। तो हम लोगों ने अच्छे से खाना कंप्लीट किया, उसके बाद मैं रेडी हो गई थी एंड मैंने ये मेरा फेवरेट पिंक कलर का टॉप पहना था। तो आज हम लोग जा रहे थे ओडियन मॉल एंड मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी, क्योंकि मुझे शॉपिंग करने को मिल रहा था एंड मुझे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए होता। मुझे खाना मत दो बट मुझे शॉपिंग करवा दो एंड मैं फुल डे शॉपिंग कर सकती हूँ। तो ये था मेरा फुल सिंपल सा लुक एंड हम लोग ऑटो से निकल गए। वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग थोड़ी देर अंदर ही घूम रहे थे एंड देख रहे थे कि क्या क्या शॉप्स है वहाँ पर, एंड वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स थे एंड बहुत ज़ारा H&M सारे ही शॉप्स थे। एंड मैंने सुना था कहीं पर कि ओडियन मॉल इंडिया का 7th लार्जेस्ट मॉल है एंड एक्चुअली में वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। एंड उसके बाद मैं एक शॉप पर गई एंड कपड़े ट्राई किया एंड वो टी शर्ट
था ना पिंक कलर का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट उसका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा था कि 3000 के पास था, तो मैंने नहीं लिया। ऐसे पसंद आया था बट उतना भी नहीं। तो फिर मैंने कुछ ड्रेसेस ट्राई किया एंड उनमें से भैया ने एक दिलाया मुझे, एंड मुझे कौन सा वाला दिलाया वो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बता देना। एंड उसके बाद हम लोग बाहर से निकल गए। बिलिंग काउंटर से निकलने के बाद वहाँ पर देखा कि बहुत एथनिक्स का भी वैरायटी थी, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। एंड फिर हम लोग गए थे फूड कोर्ट एंड वहाँ पर थाई लिया हम लोगों ने एंड अफगानिस्तान का खाना भी ट्राई किया हम लोगों ने, जो कि बहुत ही टेस्टी था। एंड यहाँ पर मैं और भैया डिसाइड कर रहे थे कि क्या लेना है एंड क्या नहीं, तो बहुत ही टेस्टी था सब कुछ। देखने में जैसा टेस्टी था, खाने में भी वैसा ही टेस्टी था, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही खा लिया उस दिन एंड बहुत अच्छा भी लग रहा था खाना खा के। तो खाना खाने के बाद टाइम था मेरा फिर से शॉपिंग करने का, तो मैं फिर से गई एंड बहुत सारी टॉप्स मैंने ट्राई किया एंड उनमें से मैं कुछ लिया मैंने, एंड मैंने क्या लिया वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। एंड इस ये टॉप का ना हाथ बहुत ही प्यारा सा था, बट इसका फिटिंग कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया मुझे, तो मैंने ये नहीं लिया। लोगों को आसानी होगा कमेंट करने में कि मैंने कौन सा लिया था, इसलिए मैं पहले ही बोल रही थी। एंड ये वाला टॉप भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत प्रिटी कलर था एंड नेक में इसे बांधने का डिज़ाइन था, जो कि मम्मी को भी बहुत ही अच्छा लगा था। वहाँ से बिलिंग करने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए एंड ऑटो ले लिया हम लोगों ने। घर जाने के बाद डोना ने हम लोगों का स्वागत किया एंड वो बस ऐसे ही करती है। हम लोग कभी भी बाहर से अंदर आते हैं ना घर पे, तो वो ऐसे ही करती है एंड बहुत ही क्यूट क्यूट कुछ करती रहती है, इतना अच्छी लगती है ना। एंड फिर शाम हो गया था, तो मैं थोड़ा सा व्यू भी आप लोगों को दिखा रही थी। ये रात का व्यू था एंड वहाँ पर भी बहुत स्ट्रीट डॉग्स थी, तो वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड हम लोगों ने डिनर कंप्लीट किया। डिनर कंप्लीट करने के बाद मैं बस बैल्कनी में थोड़ा सा चलने लगी एंड वहाँ पर बहुत अच्छी हवा भी आ रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मेरे चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। एंड मैं आपसे फिर से मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।